नमस्कार आप सबको, मैं आपका दोस्त डॉक्टर संजीव आज के इस वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर यानी कॉलेज लेक्चर की सैलरी के बारे में जानकारी। इस वीडियो में हम प्रोबेशन पीरियड के दौरान कॉलेज लेक्चर को कितनी सैलरी मिलती है और प्रोबेशन पीरियड जब पूरा हो जाता है यानी 2 साल जब पूरे हो जाते हैं उसके बाद में कितनी सैलरी मिलती है, इस बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पे मैट्रिक्स लेवल के बारे में। जब किसी भी एग्जाम की विज्ञप्ति जारी होती है तो उसमें पे मैट्रिक्स लेवल के बारे में ही लिखा होता है, बाकी कोई जानकारी नहीं होती है। तो जो कॉलेज लेक्चर होता है इसका पे मैट्रिक्स लेवल 15 होता है, ग्रेड पे जो होता है वो 6000 होता है। पे बैंड की बात करें तो ये 15600 से लेकर 39100 होता है। अब हम बात करते हैं कि शुरू के 2 साल यानी प्रोबेशन पीरियड के दौरान कॉलेज लेक्चर को कितनी सैलरी मिलती है। शुरू के 2 साल इसे 42500 रुपये की हर महीने सैलरी मिलती है, लेकिन इसमें से 10% NPF के कट जाते हैं यानी न्यू पेंशन स्कीम के, तो कट कटाकर उसे जो नेट सैलरी मिलती है हर महीने वो होती है 38250 रुपये। अब हम बात करते हैं कि जब 2 साल पूरे हो जाते हैं, प्रोबेशन पीरियड जब पूरा हो जाता है उसके बाद में कितनी सैलरी मिलती है। प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाने के बाद में इसे एक बेसिक सैलरी मिलती है, बेसिक सैलरी जो कि पहले वर्ष 60700 रुपये हर महीना होती है। पहले वर्ष इस वजह से बोला है क्योंकि हर वर्ष ये बेसिक सैलरी बढ़ती है, इस वजह से नेट सैलरी जो होगी वो भी बढ़ेगी। इसके अलावा इनको कुछ भत्ते मिलते हैं जैसे कि DA यानी डियरनेस अलाउंस, जिसे कि महंगाई भत्ता भी कहा जाता है हिंदी में, तो ये होता है वर्तमान में 17% और ये भी हर वर्ष बढ़ता रहता है, साल में 2 बार बढ़ता है लगभग। इसके अलावा इनको HRA मिलता है यानी हाउस रेंटिंग अलाउंस, जिसकी 2 रेंज है 8% और 16%। 8% जो है ये छोटे शहर और गांव के लिए होता है और जो 16% है वो जो बड़े शहर हैं 5-6 उनके लिए होता है। तो हम जो सैलरी की गणना करेंगे आगे वो 8% को लेकर ही करेंगे। अगर कोई चाहता है कि भाई 16% के हिसाब से यानी बड़े शहरों के हिसाब से, तो वो उसी अनुपात में 8% एक्स्ट्रा जोड़ लेगा। तो जो ये गणना होती है 17% और 8% की, ये बेसिक सैलरी पर होती है यानी इसके ऊपर इनको हम जोड़ेंगे। अब बात करते हैं हम ग्रॉस सैलरी के बारे में, ग्रॉस सैलरी कितनी मिलेगी प्रोबेशन पीरियड पूरा हो जाने के बाद में। तो ग्रॉस सैलरी इनको मिलेगी जब इनको भत्तों को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा, तो ये लगभग 75000 रुपये के आसपास बन जाते हैं। तो ग्रॉस सैलरी पहले वर्ष इतनी होगी और हर वर्ष ये ग्रॉस सैलरी बढ़ेगी, लेकिन ये इनहैंड सैलरी नहीं होती है, इसमें से भी कई तरीके की कटौतियां होती हैं। तो अगर हम बात करें नेट सैलरी के बारे में, नेट सैलरी तो इसके लिए हम जो ग्रॉस सैलरी है इसके अंदर से हम जो 10% NPF के माइनस कर देंगे, इसके अलावा स्टेट इंश्योरेंस के टैक्स वगैरह के, तो जब इनको इसमें से घटा दिया जाएगा उसके बाद में आपको लगभग 64 से लेकर 65000 रुपये हर महीने मिलेंगे पहले वर्ष, अगर हम HRA को 8% लेते हैं तो। और ये हर वर्ष जो नेट सैलरी है ये आपकी बढ़ेगी क्योंकि बेसिक सैलरी भी बढ़ती है और भत्ते भी बढ़ते हैं। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि सैलरी की गणना किस तरीके से करते हैं। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।